वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो RSCIT कर चुके हैं और जिन्होंने अभी तक अपना पेमेंट है वो रीइंबर्समेंट यानी भुगतान प्राप्त नहीं किया है, उसके संबंध में अलग अलग आदेश पहले तो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से आदेश आए हुए हैं, शिक्षा विभाग का लेटेस्ट आदेश क्या है और पे मैनेजर पे आपको किस तरीके से रीइंबर्समेंट का जो भी बिल है वो आपको बनाना है, क्या क्या स्टेप बनाने होंगे, कौन सा जो ग्रुप है या हेड है वो आपको बजट के लिए आवंटित हुआ है उसमें आपको कैसे बजट चेक करना है, पूरा प्रोसेस एक एक स्टेप बाई स्टेप बिल एलोकेशन से लेकर वीडियो फॉरवर्ड और जो भी प्रोसेस है पूरा बताने का प्रयास करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आप अगर पूरा देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे पहले तो राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी विभाग संचार विभाग का जो आदेश है ये 7/5/2018 का है, जिसमें विभिन्न विभागों कार्यालयों में पदस्थापित राज्य कर्मचारियों या अधिकारियों के लिए इग्नू के माध्यम से या अन्य माध्यम से जैसे RSCIT कोर्स वगैरह उसके संबंध में आदेश था। एक और आदेश मैं आपको बता दूं कि जो ये जो आदेश है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के संबंध में 16/7/2013 का है 2012 का है, जिसमें अमेंड ऑर्डर फॉर RSCIT फी रीइंबर्समेंट, इसमें भी रीइंबर्समेंट के बारे में दिया हुआ कि जो 2700 की फीस है और अगर मान लो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में करते हैं तो आपको 25% इंसेंटिव दिया जाएगा, यानी कि उसके लिए 600 रुपये और 625 रुपये लगभग जो भी है वो एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे 675। तो ये आदेश है। इसके अलावा जैसे ये जो सूचना प्रौद्योगिकी राजस्थान सरकार का ये भी आदेश है, मैंने आपको अभी 18 वाला बता दिया। एक और इम्पोर्टेंट आदेश मैं शिक्षा विभाग का आपको बता देता हूँ जिसमें जो भी डिटेल दी हुई है, एक तो पहले ये बता दूँ कि ये जो आदेश है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये 10/4/2017 का आदेश है और जिसमें RSCIT के संबंध में लिखा है कि अगर ड्यूरेशन 12 वीक का है और ओपन टू ऑल एलिजिबिलिटी है और इसके बाद में टोटल फीस इन है वो 2700 रुपये और कैश इंसेंटिव ऑन कम्प्लीशन ऑफ कोर्स इन फर्स्ट अटैम्प्ट, अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में आप कोर्स करते हैं तो 25% आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो ये भी एक आदेश है। अब मैं शिक्षा विभाग का जो भी आदेश था पहले वो बता दूँ कि शिक्षा विभाग का क्या आदेश है और इसी के आदेश के अनुपालन में आपको किस तरीके से कार्य करना है और इसके बाद में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कार्यालय आदेश किस तरीके से आपको निकालना है। तो मैं एक एक आदेश आपको पहले बता रहा हूँ। जैसे शिक्षा विभाग की बात करें तो ये जो आदेश है ये 13/7/2023 यानी इसी वर्ष जुलाई का जो आदेश है जिसमें शिक्षा विभाग के समस्त जो भी कार्मिक है जिन्होंने RSCIT की उनके संबंध में है और समस्त आरण वितरण अधिकारी यानी DDO माध्यमिक शिक्षा है उनको निर्देशित किए हुए आदेश है, जिसका विषय है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में RKCL RSCIT कोर्स के पुनर्भरण के संबंध में और इसमें जो भी पूर्व पत्र उसका भी हवाला दिया हुआ है। अब इसमें लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषय अंतर्गत इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बजट राशि व्यय करने के संबंध में अधिकृति जारी की गई थी कि बिंदु संख्या 8 में अधीनस्थ कार्यालयों या विद्यालयों में जिन शिक्षकों या कार्मिकों के RKCL RSCIT कोर्स किया हुआ है और उनका पुनर्भरण करने के लिए शाला दर्पण पर विकसित नए मॉड्यूल या यूटिलिटी के माध्यम से मांग किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। चूंकि शाला दर्पण पर अभी ये नया मॉड्यूल विकसित नहीं हुआ है अतः जब तक नया मॉड्यूल विकसित तैयार होता है तब तक समस्त अधीनस्थ कार्यालय या विद्यालय लेखा मद। अब इसमें आपको एक तो ये जो बजट हेड दिया हुआ है ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपको पे मैनेजर पे इसी हेड से आपको ग्रुप क्रिएट करना है। तो जैसे इसमें 2202 यानी सामान्य शिक्षा का, उसके बाद में 02 माध्यमिक शिक्षा, 109 यानी राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 01 लड़कों के विद्यालय और 00 राज्य निधि यानी स्टेट फंड में और जो ऑब्जेक्टेड होगा 05 कार्यालय वैसे आपको अपने अधीन जो भी माध्यमिक शिक्षा के कार्मिक है उनके RKCL RSCIT की पूर्ण जांच कर आपको नियमानुसार पुल मद से आवरण करने का जो अधिकृत किया जाता है, यानी जो पुल बजट है उसमें से आप जिस इस हेड से जो भी कार्मिक जिनके RSCIT का कोर्स किया हुआ है और उनका रीइंबर्समेंट यानी भुगतान बाकी है उनको भुगतान कर सकते हैं। और इसके लिए पे मैनेजर पे किस तरीके से काम करना पड़ेगा और कुछ आदेश जो आवश्यक होंगे वो मैं आपको एक एक स्टेप वाइज बता देता हूँ। जैसे एक तो ये कार्यालय आदेश आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। अब जैसे ये कार्यालय आदेश है जिसमें आपके कार्यालय का नाम आ जाएगा, आदेश संख्या, वित्त विभाग का जो भी आदेश संख्या आ जाएगा और इसमें या मैं पूरा खाली ब्लैंक फॉर्मेट आपको बता देता हूँ। इस तरीके का जो आदेश होगा इसको मैं थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ। ये जो आदेश होगा कार्यालय आदेश जिसमें विभागीय आदेश क्रमांक 2017 और जो भी आदेश क्रमांक है इसके अनुसार RSCIT कोर्स स्वयं द्वारा शुल्क अदा कर पूर्ण करने पर उनके नाम के समूह राशि का पुनर्भुगतान कार्यालय व्यय के मद संख्या 5 से भुगतान आरित कर एतद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसमें आपको कर्मचारी का नाम लिखना है, पद लिखना है, कर्मचारी द्वारा RSCIT कोर्स के लिए भुगतान की गई राशि जो भी आपकी राशि है वो आपको यहाँ एंटर करनी है। उसके बाद में अगर प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण की है
फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो इंसेंटिव के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में 25% होंगे और कुल राशि दोनों को जोड़ करके करनी है और एम्प्लॉय आईडी आपको यहाँ एम्प्लॉय की लिख देनी है और यहाँ जो भी डीडीओ है उनके साइन हो जाएंगे और ये लेटर, ये भी जो भी आपको बिल बनाएंगे उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड में ये भी साथ में करना है। ये एक तरह से कार्यालय आदेश हो जाएगा। उसके बाद में एक और आदेश आपको जो अपलोड करना है वो है प्री पेमेंट रिसिप्ट कम अंडरटेकिंग, यानी एक तरह से अंडरटेकिंग आपको लेनी है कर्मचारी से, यानी कर्मचारी स्वयं घोषणा करेगा कि मैंने इसका पूर्व भुगतान नहीं उठाया है और अपनी जो भी डिटेल्स है जिसमें लर्नर कोड वगैरह वो सारी देगा। तो अब जैसे इसमें प्री पेमेंट रिसिप्ट कम अंडरटेकिंग है, इसमें रिसीव्ड थैंक यू ऑप्शन जहाँ आपको जो अमाउंट लिखना है, उसके बाद में ऑनलाइन ट्रांसफर फ्रॉम आरकेसीएल ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या आपको लर्नर कोड लिखना है, जो भी लर्नर कोड होंगे आपके मार्क लिस्ट में आपको मिल जाएंगे, नहीं तो मैं आपको लाइव भी बता दूंगा, रिसिप्ट में भी लर्नर कोड होंगे और मार्क्स लिस्ट में होंगे। इसके बाद में आपको बैंक डिटेल्स यहाँ एंटर करनी है जिसमें आपको बैंक का नाम है, अकाउंट नंबर है, बैंक की ब्रांच का नाम, आईएफएससी कोड और कंपलसरी अटैच कैंसिल चेक, अगर चेक अटैच करें तो ठीक है, अगर आपका पे मैनेजर पर डाटा है तो मुझे लगता है इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा माई पर्सनल डिटेल्स आर एज अंडर, तो आपको नाम, फादर का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जीपीएफ नंबर, फुल ऑफिस एड्रेस आपका जो भी है, पिन कोड और ऑफिस कॉन्टैक्ट नंबर, डेजिग्नेशन आपका पद जो भी है, फुल रेजिडेंशियल एड्रेस वगैरह ये लिखना है और फर्दर आई हियर बाय अंडरटेक, यानी जो आपको घोषणा करनी है कि अगर आपने आई हैव पास्ड आरएससीईआरटी एग्जाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट, नॉट इन फर्स्ट अटैम्प्ट या पास, तो जो भी आपके लागू होता हो, अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में लागू होता है आपको यहाँ टिक करना है तो आपको इंसेंटिव के रूप में 25% यानी 2700 का 25% 675 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, कुल मिलाकर के आपको 3375 रुपये मिलेंगे। दूसरा, आई हैव नॉट क्लेम द अमाउंट प्रीवियसली फॉर द सेम कोर्स, यानी पहले इस कोर्स का आपने कोई भी अमाउंट क्लेम नहीं किया है, यानी आपने भुगतान प्राप्त नहीं किया है। और तीसरा जिसका पॉइंट है कि एज पर रीइंबर्समेंट नॉर्म्स, यानी रीइंबर्समेंट के जो पुनर्भुगतान के नियम के अनुसार, माई एज एट द टाइम ऑफ द एडमिशन वाज 55 और लेस, यानी मेरी उम्र है वो जब कोर्स के उस समय 55 से या उससे कम थी, क्योंकि 55 से अधिक वालों को ये नहीं मिलेगा। इसके अलावा डिसिप्लिनरी एक्शन शैल बी टेकन इफ एनी इन्फॉर्मेशन फाउंड फॉल्स, यानी अगर कोई गलत सूचना पाई जाती है तो मेरे खिलाफ में जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो ये पूरा क्रमिक है वो साइन करके, नाम लिख करके, डेट और प्लेस लिख करके देगा। तो डीडीओ इस दोनों को भी, जो भी ये अंडरटेकिंग है और जो कार्यालय आदेश है, इन दोनों को आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट अपलोड में पे मैनेजर पे जाकर के। तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट जिसमें दोनों मैंने आपको बता दिए। ऑफिस ऑर्डर किस तरीके से होगा, विभागीय आदेश है वो भी आपको अपलोड करना, तो वो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा प्री पेमेंट रिसिप्ट आपको ये है और कार्यालय आदेश, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले एक बार तैयार कर लें, उसके बाद में आपको मैं पे मैनेजर पे जाने के बाद में किस तरीके से आपको प्रोसेस करना है। उससे पहले अगर रसीद की बात करें तो रसीद कैसी होगी वो मैं आपको दे देता हूँ। जैसे इस तरह की जो रसीद होगी जिसमें आपके आरएससीईआरटी गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो भी है, इसमें आपके यहाँ से कोड वगैरह होंगे, किस संस्था ने आपको करवाया है, इसके बाद में आपका यहाँ नाम वगैरह होगा और लर्नर कोड, यहाँ आपके लर्नर कोड हो जाएंगे, फादर का नाम आएगा, अमाउंट आ जाएगा और डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ इसमें शो हो रही है। इसके अलावा यहाँ जब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ भी आपके लर्नर कोड है, यहाँ शो हो जाएंगे। और इसकी एक दो राशि, जैसे एक सामान्य रसीद ये भी हो सकती है, ये भी रसीद जैसे 2700 का जो भुगतान किया था वो है, लेकिन आपके पास में ये रसीद है तो ये बहुत वैलिड रसीद है क्योंकि इस पर मोहर भी लगी हुई है, आपका फोटो भी है और एप्लीकेशन आई डी, लर्नर कोड वगैरह सारे, फॉर्म नंबर, रिसिप्ट नंबर सारे कुछ दिए हुए हैं। तो आपको ये दोनों जो भी है आपके पास में डॉक्यूमेंट वो तैयार करके आपको अपने डीडीओ को सौंपने हैं। उसके बाद में बिल बनाने का जो प्रोसेस है उसके लिए सबसे पहले आपको जो भी आपके पे मैनेजर है इसमें आपको आना है और पे मैनेजर आने के बाद में यहाँ से जैसे आप एक बार लॉगिन करेंगे तो मैं जैसे यहाँ लॉगिन करके आपको दे देता हूँ। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पहला जो काम करना है वो आपको जो मैंने कहा था बजट, जैसे ये तो कैप्चा कुछ समय के अगर रह जाता तो वो बाद में कैप्चा काम नहीं करता, तो आपको दोबारा कैप्चा एंटर करके लॉगिन करना है। तो मैं एक बार दोबारा लॉगिन कर रहा हूँ। अब इस तरीके से आप लॉगिन करने के बाद में यहाँ से मेन साइट पे आएंगे। मेन साइट पे आने के बाद में जैसे मैंने पहले बताया सबसे पहले आपको ग्रुप क्रिएट करना है, तो यहाँ से आप ग्रुप मास्टर में जाएंगे, यहाँ जैसे ग्रुप मास्टर है, मास्टर में जाने के बाद में ग्रुप मास्टर और यहाँ व्यू ऑल, तो जितने भी ग्रुप है आप वो देख लें। अगर 109/09/102 का अगर कोई ग्रुप आपके है तब तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मैं आपको एक ग्रुप बता दूँ, जैसे इसमें जो जो आदेश था, जो पहले आदेश था, इसमें जो लिखा हुआ था कि यहाँ जो है ना 2/02/02/109/01/00 ये ग्रुप अगर आपके है तब तो आपको अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आप अलग ग्रुप से बनाएं। 2/02/02/109/01 तो जैसे यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ 2/02/02/109/01/00 अगर ये ग्रुप बना हुआ है स्टेट फंड का है तब तो आपकी कोई समस्या नहीं है, और नहीं है तो आप जैसे यहाँ ऐड ग्रुप में जा करके एक अलग से ग्रुप बना सकते हैं। तो जैसे मैं, अगर आप अलग ग्रुप बनाना चाहें
तो मैं आपको बता दूं किस तरीके से बनाना है। अब जैसे इसमें अभी कोई ग्रुप नहीं बनाया हुआ है, तो मैं एक ऐड ग्रुप में जाने के बाद में यहाँ से आपको ग्रुप का नाम जैसे आप RSCIT लिख दें ताकि आपको जो भी ग्रुप है उसको सेलेक्ट करने में आसानी रहेगी। अब ये जैसे RSCIT लिख दिया, बजट ऐड आपको यहाँ लिखना है 2202, जो मैंने पहले बताया 02109 और 0100, और ऑब्जेक्ट ऐड यहाँ आप जैसे 5 लिख दें। उसके बाद में आपको यहाँ से BFC टाइप में जैसे यहाँ ऐसे कर लें स्टेट फंड है, उसके बाद में यहाँ से आपको जैसे चार्ज कर दें या वोटेड जो भी है वो एक करके यहाँ से ऐसे सबमिट करेंगे तो यह आ गया कि डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, आप यानी ग्रुप क्रिएट हो गया है। अब जैसे व्यू जाएं ग्रुप में जाएंगे तो यहाँ से आपको जो भी ग्रुप है वो यहाँ सेकंड पेज पे यहाँ आपको दिख जाएगा। ये जैसे अभी मैंने जो ग्रुप बनाया था वो आपके यहाँ शो हो जाएगा, तो RSCIT नाम से जैसे ये ग्रुप बन गया RSCIT, और ये जैसे 2202109 0101। तो सबसे पहले आपने ग्रुप बना लिया, उसके बाद में आपको जाना है बिल एलोकेशन में। बिल एलोकेशन में जाने के लिए यहाँ से आपको बिल एलोकेशन में एंटर करना है, और यहाँ आपको सबसे पहले बिल टाइप में आपको मैंने बताया FVC बिल है वो वेदर करना है, यहाँ से FVC बिल, और FVC में सब टाइप में आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है थर्ड पार्टी, तो यहाँ से थर्ड पार्टी सेलेक्ट कर लिया। ऑब्जेक्ट एड आपको 05 करना है, उसके बाद में पे मंथ जैसे अक्टूबर चल रहा है, तारीख है, बिल की डेट है, जैसे आप यहाँ से कैलेंडर से सेलेक्ट कर लें, और वैसे सीधे कर लें लेकिन कई बार ये अगर नहीं लेता तो आपको कैलेंडर से सेलेक्ट करना है। यहाँ से बिल नंबर जैसे आप 01 कर लें, और यहाँ बिल नेम आपको जो भी ग्रुप है आपने जो बनाया था वो ग्रुप आप सेलेक्ट कर लें। अब जैसे यहाँ मैंने RSCIT किया था तो ये RSCIT आ गया, और यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब ये आ गया कि बिल डिटेल्स एडिट सक्सेसफुली, तो आपको इस ओके पे क्लिक करना है। अब आपको जो अगले स्टेप में मैंने बताया था कि अगले स्टेप में आपको कहाँ जाना है, तो अगला स्टेप जो होगा आपका बिल प्रोसेसिंग में जाना है। तो इसके लिए आपको जैसे अदर बिल में जाने के बाद में बिल एलोकेशन हो गया, बिल एलोकेशन के बाद में अदर बिल जाने के बाद में यहाँ FVC बिल में जाना है, और FVC बिल में जाने के बाद में FVC मास्टर और FVC प्रोसेस। अब यहाँ दो ऑप्शन है, तो अगर आपके FVC मास्टर का मतलब हो गया कि अगर आपके डाटा नहीं आ रहा तो उसमें काम करना पड़ेगा। अभी जैसे पहले FVC प्रोसेस आप इस पर सेलेक्ट कर लें, FVC प्रोसेस हो गया, इसमें बाद में सेलेक्ट मंथ अक्टूबर 2023 सेलेक्ट बिल, जो बिल अभी आपने जैसे ये लेटेस्ट बिल है मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में थर्ड पार्टी हो गया, यहाँ रिइम्बर्समेंट का है जो, तो रिइम्बर्समेंट आप कर दें। उसके बाद में सेलेक्ट एम्प्लॉई, तो आपको यहाँ से जो भी एम्प्लॉई है उसको आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ जैसे मैंने एम्प्लॉई को सेलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ जो भी डिटेल्स है वो आपको देखनी है कि जैसे अगर आपके यहाँ जैसे इसमें नाम दिया हुआ है तो एम्प्लॉई का नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, आपको अच्छी तरह से चेक करना है, और ब्रांच का नाम आ गया, रेफरेंस आईडी खाली छोड़ दें, रेफरेंस नंबर में आपको जो नंबर है तो नहीं तो ये इनवॉइस है यहाँ आपको भरना है, इनवॉइस में आप जो भी आपकी रसीद के नंबर है वो भर लें, इनवॉइस जो डेट है वो आपको यहाँ आ जाएगी, सैंक्शन ऑर्डर नंबर है तो आपके जो कार्यालय आदेश आपने जो जनरेट किया था उसके जो भी नंबर है वो आपको एंटर करना है, सैंक्शन डेट भी आपको एंटर करनी है कैलेंडर से जिस तारीख को आदेश सैंक्शन हुआ था, तो वो जो भी डेट है वो आपको यहाँ से एंटर करनी है। उसके बाद में अमाउंट है, तो जैसे अमाउंट था 2700 रुपये प्लस अगर फर्स्ट अटैम्प में किया तो 675 रुपये, यानी कुल 3375 यानी 3375 रुपये ये अमाउंट करना है। और यहाँ जो भी रीजन है उसमें आपको लिखना है जो RSCIT फीस रीइंबर्समेंट, तो ये सारा प्रोसेस मैं आपको करके बताता हूँ। तो मैं जैसे कि आपको बता रहा था यहाँ से आपको अकाउंट नंबर वगैरह चेक कर लेने, उसके बाद में इनवॉइस नंबर आपके जो भी रसीद नंबर थे इनवॉइस की डेट आपको यहाँ एंटर करनी है, सैंक्शन नंबर आपके कार्यालय आदेश है वो किस तारीख को आदेश कार्यालय जारी किया गया वो सैंक्शन डेट आ जाएगी, अमाउंट आपको जैसे फर्स्ट अटैम्प में किया था तो 3375 जो भी होगा, उसके बाद में रीजन है RSCIT फी रीइंबर्समेंट है तो आपको यहाँ से रीइंबर्समेंट आपको जो भी है वो एंटर कर लेना है, और यहाँ आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ सबमिट पे क्लिक करने के डाटा सफलतापूर्वक पुष्ट हो गया, ये आपको ओके पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में आपको यहाँ से जैसे ये बिल है वो शो हो जाएगा। अब आगे का प्रोसेस किस तरीके से करना है, तो जैसे ये बिल यहाँ आपकी डिटेल आ जाएगी, इनवॉइस नंबर आ जाएगा, सैंक्शन डेट आ जाएगी, इनवॉइस नंबर और इनवॉइस की डेट आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगा। अब इसमें आप कुछ गलती है तो उसको डिलीट कर सकते हैं, डिडक्शन अगर ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद में अगला जो प्रोसेस होगा वो आपको, अब मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि मान लो अगर यहाँ से आप थर्ड पार्टी सर्च कर रहे हैं और पार्टी का नाम नहीं आ रहा है या और कोई डिटेल्स यहाँ से बैंक डिटेल्स वगैरह अगर सही नहीं आ रही है तो आपको अदर बिल में जाकर के FVC में जाकर के FVC मास्टर पे जाना है। यहाँ मास्टर में जाएंगे तो यहाँ आपको जो भी यहाँ से आपको जैसे थर्ड पार्टी बिल है तो आपको यहाँ से थर्ड पार्टी बिल अगर आपकी डिटेल इसमें है तो वो शो हो जाएंगे, अगर नहीं है तो आपको यहाँ से जो भी आपको FVC टाइप में जैसे थर्ड पार्टी है यहाँ आपको एंटर करना है। थर्ड पार्टी को आपको नाम यहाँ लिखना है, जैसे मैं नाम ABC लिख देता हूँ, कोई भी नाम है। उसके बाद में जो भी इनकी डिटेल्स है जैसे बैंक यहाँ से सर्च करेंगे तो आपको IFC कोड है वो एंटर करना है यहाँ से, और उसके बाद में स्टेट यहाँ से जैसे राजस्थान की बात करें
तो यहाँ राजस्थान एंटर करने के बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट एंटर करके ये सारी डिटेल्स भर के सबमिट करनी है, तो थर्ड पार्टी का जो भी डिटेल्स है यहाँ आपके सेव हो जाएगी। और उसके बाद में आपको उसी प्रोसेस में जाना है, यहाँ से IFSC कोड अगर चेक करना चाहे तो यहाँ से IFSC कोड चेक करके कर सकते हैं ये। तो ये पूरा प्रोसेस आपको करना है अगर डिटेल्स नहीं आ रही है तो, लेकिन जो भी कार्मिक पे मैनेजर पे है उनकी डिटेल्स तो आ जाएगी, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, जैसे FVC आपने बिल बना दिया, उसके बाद में आप सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं वहाँ आएंगे, तो यहाँ जैसे ऑथराइजेशन में जाने के बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड पे आपको आना है। और यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड में जैसे ईयर आ गया, मंथ आ गया, बिल टाइप में आपके जैसे यहाँ जो FVC बिल था, यहाँ ग्रुप नेम जो भी आपने जैसे RSCAT किया हुआ है तो RSCAT की जो बिल संख्या यहाँ आपके शो हो जाएगी। अब इसमें आपको सिलेक्ट डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, जैसे सेंक्शन ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वाउचर कॉपीज मोर देन 3000 कॉपी ऑफ वर्क ऑर्डर, सर्टिफिकेट या सेंक्शन ऑफ न्यू आइटम्स, सेंक्शन ऑफ व्हीकल या सर्टिफिकेट ऑफ परचेजिंग मार्केट या स्टॉक एंट्री। तो इसमें जैसे सबसे पहले तो आप जो सेंक्शन ऑर्डर है, अब जैसे कार्यालय का जो आदेश है तो यहाँ से आपको आदेश अपलोड करना है। उसके बाद में अन्य जो भी है, अगर ऑप्शन इसमें कम है तो आप जैसे दूसरा जो विभागीय आदेश वगैरह है वो या तो सारे एक ही पेज में या एक ही PDF में आप सारे आदेश करके अदर डॉक्यूमेंट में जा करके आप अपलोड कर लें। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स है वो एक बार अपलोड करना है, उसमें जो मैंने बताया था, एक तो आप विभागीय आदेश है वो आप अपलोड कर लें, उसके बाद में कार्यालय आदेश जो आपके निकाला वो कर लें, RSCAT की जो मार्क लिस्ट और भुगतान की रसीद और अन्य जो भी दस्तावेज अगर आपके पास में है तो वो सारे एक ही PDF अगर बना करके भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद में आगे आपको रिपोर्ट्स वो चेक करनी है। रिपोर्ट्स कैसे चेक करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ आप रिपोर्ट्स टैब में जाएंगे, यहाँ से जैसे रिपोर्ट्स में जाएंगे तो यहाँ रिपोर्ट्स में जाने के बाद में रिपोर्ट चेक करने के लिए आपको जो रिपोर्ट टैब में अदर सैलरी रिक्वेस्ट है, जैसे यहाँ से अदर सैलरी जो बिल्स है, अब इसमें यहाँ नहीं आ रहा तो यहाँ से जैसे मैं आपको रिपोर्ट्स बता रहा हूँ कल कैसे करना है। तो रिपोर्ट्स के लिए आपको रिपोर्ट्स में जाने के बाद में अदर बिल रिपोर्ट है, इसमें जबकि आपको आउटर रिपोर्ट और एडवाइस इनर, तो जैसे मैं एडवाइस इनर करूँगा तो उसमें सारी डिटेल्स आ जाएगी। जैसे यहाँ FVC आ गया, 2023 आ गया, अक्टूबर आ गया, यहाँ से आपको जो भी RSCAT ग्रुप सेलेक्ट किया था वो आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ से ये जो बिल नंबर आ जाएंगे और इसमें जैसे अभी जो सीधा ये रिपोर्ट है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब यहाँ से रिपोर्ट जो भी डाउनलोड होगी वो आप यहाँ से एक बार देख लें, इस तरीके से रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी जिसमें आपका कार्मिक का नाम आ जाएगा, इनवॉइस नंबर आ जाएगी, डेट आ जाएगी, इनवॉइस की डिटेल्स आ जाएगी, अकाउंट नंबर आ जाएंगे, और जैसे यहाँ अकाउंट नंबर आ गया, जो भी बैंक का नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, IFSC कोड भी इसमें शो हो रहे हैं। इसके बाद में यहाँ ग्रॉस अमाउंट है जैसे 3375 और रिमार्क में आपके आ रहा है कि RSCAT रीइंबर्समेंट और जो भी टोटल नेट अमाउंट 3375, डिडक्शन 0 है क्योंकि इसमें कोई डिडक्शन नहीं करना है, और ग्रॉस अमाउंट है 3375 ये आ जाएगा। अब ये सारा एक बार आप कंफर्म कर लें, विशेषकर अकाउंट डिटेल्स वगैरह ये आप कंफर्म कर लें। उसके बाद में आपको जो बिल है वो DDO फॉरवर्ड करना है, तो जैसे यहाँ आप आएंगे तो DDO फॉरवर्ड करने से पहले इनर और आउटर दोनों रिपोर्ट्स निकाल लें। अब जैसे ये तो मैंने रिपोर्ट्स में जाकर के अदर बिल में जाने के बाद में इनर निकल थी, अब आउटर भी आप निकाल दें क्योंकि जब दोनों निकलेंगे तभी आपके डिजिटल साइन होंगे, नहीं तो आपको डिजिटल साइन नहीं होंगे, वो डॉक्यूमेंट अधूरे शो होंगे। तो अब जैसे यहाँ मैं दूसरा जो भी ये डाउनलोड कर रहा हूँ ये आउटर है, तो यहाँ इस तरीके से आपके आउटर आ जाएगा जिसमें आपके यहाँ कार्यालय का नाम आ जाएगा, बिल नंबर आ जाएंगे, बिल डेट आ जाएगी, और यहाँ से जैसे जो अमाउंट है यहाँ से जैसे पे अमाउंट है 3375 आ जाएगा, 3375 375 रुपये आ जाएगा, और टोटल क्रेडिट ही आ जाएगा, डिडक्शन वगैरह 0 आ जाएगा, और इस तरीके से ये बिल है वो आपके आउटर इसकी सीट तैयार हो जाएगी FVC बिल की। इस तरह से आउटर सीट इनर सीट दोनों आप एक बार चेक कर लें अच्छी तरह से, इनर सीट में आप अकाउंट नंबर वगैरह वो चेक कर लें, और उसके बाद में बिल को आपको जैसे यहाँ उसमें आकर के आपको बिल जो भी है वो आपको सबसे पहले DDO फॉरवर्ड करना है। DDO फॉरवर्ड करने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट पहले अपलोड कर लेना, उसके बाद में डिजिटल साइन करना है, इसके लिए आप जो भी एक्सप्लोरर वगैरह है उसमें जाकर के उसको करें। इसके बाद में आपको ट्रेजरी फॉरवर्ड करना है डिजिटल साइन करने के बाद में। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं और बता दूं कि आपको पहले ये भी चेक करना है कि आपके इस बजट में 05 जो ऑब्जेक्ट है उसमें फुल बजट है या नहीं, वो कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए आपको जैसे यहाँ मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपको IFMS सर्च करना है, बजट कैसे चेक करेंगे तो वो भी मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे आप IFMS चेक करेंगे, यहाँ से IFMS की साइट पे जाएंगे, यहाँ बजट पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको गेस्ट में लॉगिन ID गेस्ट और पासवर्ड में GUEST8321 और यहाँ आपको जो भी कैप्चा कोड है वो आपको भरना है, और भरने के बाद में आपको लॉगिन करना है।
जिसमें आएगा वेलकम टू IFMS, और यहाँ से आपको यहाँ ओके पे क्लिक करके यहाँ जैसे यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो फाइनेंस आ रहा है, एक अमाउंट इन एड आ रहा है, तो यहाँ फाइनेंस में आपको बजट डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स और रिपोर्ट्स में जाकर के लेटेस्ट बजट इन पासबुक फॉर्मेट इस पर आपको क्लिक करना है। तो अब जैसे मैं ये क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ से आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जैसे अभी 23-24 चल रहा है। उसके बाद में ऑफिस आईडी, तो जैसे शिक्षा विभाग की बात करें तो जैसे 911 ऑफिस आईडी है, तो ये आपको एंटर करनी है। 911 एंटर करने के बाद में समरी विद एक्सपेंडिचर इस पर आपको क्लिक करना है, और आपको बजट एड यहाँ एंटर करना है। तो जैसे मैंने बजट एड एंटर कर दिया 22-02-02 और 109-01-00। अब इसमें आपको ये सारा बाकी सब ब्लैंक छोड़ दें पहले, और यहाँ से आपको शो रिपोर्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप शो रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ये रिपोर्ट है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब ये रिपोर्ट जो डाउनलोड हो रही है, मैं इसको आपको एक बार थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। अब इसमें आपको जो चेक करना है वो 05, जैसे पुल बजट है, ये बजट है 911 कमिश्नर सेकेंडरी एजुकेशन बीकानेर, स्टेट फंड है 22-02-02-109-01-00, जो बजट फंड मैंने शुरुआत में बजट एड बताया था वो। अब इसमें आपको यहाँ से जैसे 05 का जो बिल बजट है आपको चेक करना है, 05 यानी कार्यालय व्यय। अब कार्यालय व्यय में जैसे टोटल रिसीव अमाउंट इतना है, इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटेड है, AFD है, एक्सपेंडिचर है। अभी जैसे एक्सपेंडिचर है, ये जितना भी अमाउंट है उसके आगे आप 3-0 जोड़ दें, क्योंकि ये इसमें लिखा हुआ है कि ये सहस्त्रों में, सहस्त्रों का मतलब सैकड़ों में, तो इसमें 3-0 आप जोड़ दें। अभी जैसे यहाँ ये कार्यालय व्यय है, अभी जितना भी है, तो अभी जो पड़ा है वो है, जैसे यहाँ से चेक करेंगे तो 21,000 हज़ार 10,000 और 2-0 और जोड़ दें तो 1,10,000 यानी 60,00,000 का बजट अभी पड़ा है। तो आप आराम से बिल जब भी भेजेंगे आपके बिल है वो पास हो जाएगा। लेकिन मान लो जैसे दूसरा चिकित्सा व्यय है, तो इसका अभी बजट है वो 0 बजट है, अग्नि के बराबर है। TA बिल है, ये भी अभी जैसे 0 है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद में है, तो इसका मतलब 17 रुपये पड़े। तो ये आपके इसमें बगैर बिल भेजेंगे तो वो बिल पास नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे इसमें 05 वाला जो ऑब्जेक्ट रेड है, क्योंकि ये बिल 05 में ऑब्जेक्ट रेड में FVC बिल बनाना है, तो यहाँ आपके बजट पर्याप्त मात्रा में बजट पड़ा है। तो आप जब भी इसको बिल को भेजेंगे, 1-2 दिन में आपके मेरे ख्याल से पास होकर के आपके खाते में पैसे जमा हो जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है, मैंने आपको लाइव बता दिया। एक बार मैं आपको सारा समराइज करा दूं कि सबसे पहले तो आपको जो भी RSCET के लिए बजट हेड जो दिया हुआ है वो आपको चेक करना है। पे मैनेजर पे वो ग्रुप बना हुआ है, नहीं बना है तो आपको 22-02-02-109-01-00 वाला ग्रुप आपको बुलाना है। उसके बाद में आपको बिल ग्रुप क्रिएट करिए, उसके बाद में बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद में बिल एलोकेट करना है, जिसमें FVC थर्ड पार्टी और ऑब्जेक्ट हेड 05 सेलेक्ट करना है। उसके बाद में बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद में FVC बिल प्रोसेस में जाने के बाद में बिल मंथ नेम वगैरह सेलेक्ट करना है, रीइंबर्समेंट टाइप में थर्ड पार्टी सेलेक्ट करके IFSC कोड वगैरह ये जो भी डिटेल्स है बैंक जो भी कार्मिक की वो सेलेक्ट करके आपको चेक करना है। अगर वो डिटेल्स नहीं आ रही है तो आप वो FVC मास्टर में जाकर के डिटेल्स अपडेट करनी है, वो मैंने पहले बता दिया। उसके बाद में आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड है, इसमें जैसे मैं एक और बता दूँ, जैसे इनवॉइस में है तो आपके RSCET रसीद के जो भी नंबर होंगे, सैंक्शन ऑर्डर में आपके कार्यालय का जो भी आदेश है, किस तारीख को आदेश जारी किया है सैंक्शन का, वो मैंने पूरा फॉर्मेट भी बता दिया कार्यालय आदेश किस तरीके का होगा। और इसके बाद में ये सारा करने के बाद में आपको जो FVC बिल प्रोसेस में जाना है, और प्रोसेस में जाने के बाद में यहाँ जैसे रिमार्क उसमें लिखना है तो रिमार्क आप RSCET फीस रीइंबर्समेंट लिख दें और सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको कार्यालय का आदेश है, डिपार्टमेंटल आदेश है, RSCET की मार्क लिस्ट है, और इसके अलावा आपके जो भी फीस की रसीद थी वो, ये सारे अपलोड करने हैं। उसके बाद में बिल को DDO फॉरवर्ड करना है, उसके बाद में आपको इनर आउटर चेक करना है, और इनर आउटर से आप आश्वस्त हो जाएं कि जो भी डिटेल्स है वो आपके सही है, बैंक डिटेल्स विशेष करके कार्मिक की सही है। उसके बाद में आपको डिजिटल साइन करने हैं, और डिजिटल साइन करने के बाद में आपको ट्रेजरी फॉरवर्ड करना है। लेकिन ट्रेजरी फॉरवर्ड करने से पहले आप एक बार ये जो बजट हेड है, ये सॉरी IFMS पे जाकर के आप बजट पुल बजट में बजट चेक कर लें कि इस हेड में आपके पर्याप्त बजट है या नहीं है। ऑब्जेक्ट हेड 05 में अगर बजट है तो आपके कोई समस्या नहीं होगी, कुछ दिनों में या 2-3 दिन में वर्किंग डेज में आपका जो बिल है वो पास हो जाएगा। तो ये पूरी जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। और ये जो भी PDF आदेश विभागीय आदेश वगैरह की है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे स्कूल का जो फॉर्मेट वगैरह है वो भी आप देख लें, और पूरा वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके कुछ समस्या रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो पूरा देखें, और दूसरा अगर वीडियो अच्छा लगे उपयोग लगे तो अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें, ताकि मुझे भी जो भी है हौसला बढ़ता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।